उतना दूर से आपको रा बुलाएंगे, गोंडेदास वालों को गोंडरे बुलाएंगे, ये क्या ठीक है? जवान लोग आ सकते बट जैसा 45-50 साल के वो लोग तो नहीं आ सकते। इसी के लिए वो यहाँ अटैच ना करे, जहाँ का वही पोलिंग हो, ये हमारा मांग है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर अभी पुलिस वाले बोल रहे थे कि पूरे नक्सली खत्म हो गए हैं, शांत वातावरण है, तो फिर अटैच करने का क्या मतलब है? फिर गोनपल्ली गुपड़ी हो गया, बड़सट्टी में कैंप है, मनकापाल में कैंप है, उस बीच में कैंप है, तो 2-4 किलोमीटर के अंतर में वो पोलिंग को गोंडे शिफ्ट करने का क्या मतलब है? फिर वो तो कवर कर ही सकते हैं ना, ना? फिर 10-10 किलोमीटर इधर लाना है, उधर का पोलिंग को गोंडे लाने का मतलब क्या है? वहाँ तो वैसे हो सकता है शिफ्टिंग, जब कैंप नहीं उस समय कोंडरे में गोनपल्ली में पोलिंग होता था, तो सर अभी क्यों नहीं हो सकता? बस्तर के नक्सल प्रभावित इलाकों में चुनाव बहिष्कार की खबरें आपने सुनी होंगी, लेकिन ये पहला मौका है जहां ग्रामीण लोकतंत्र का हिस्सा बनना चाहते हैं और इसके लिए वे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल सुकमा जिले के अंदरूनी इलाकों के करीब 6 से 7 मतदान केंद्रों को प्रशासन ने शिफ्ट कर दिया है। ग्रामीणों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए करीब 10 से 15 किलोमीटर का सफर तय करना होगा। इसी के विरोध में ग्रामीण आज जिला मुख्यालय में एकजुट हुए हैं और प्रशासन के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों की मांग है कि मतदान केंद्रों को यथावत उसी गांव में रखा जाए, उन्हें शिफ्ट ना किया जाए। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में ग्रामीण आज जिला मुख्यालय के ऑडिटोरियम के करीब इकट्ठा हुए हैं और प्रशासन के फैसले का विरोध कर रहे हैं। ग्रामीण लोकतंत्र का हिस्सा बनना चाहते हैं, लोकतंत्र के महापौरों में भाग लेकर लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं। बड़ी संख्या में ग्रामीण यहाँ इकट्ठा हुए हैं, आइए इनसे भी बात करते हैं, आखिर क्या वजह है, क्या चाहते हैं। क्या नाम है आपका? सविन मरकम सर। आज यहाँ इकट्ठा होने कारण? सर ये ग्राम पंचायत मारो की में पोलिंग शिफ्ट इधर में करने का सर, हम इसलिए धरना बैठे हैं सर, क्योंकि गांव वाले सहमत है कि पोलिंग वोट लगाने के लिए, लेकिन कोरा से मारो की बहुत 12-13 किलोमीटर दूर है, एक बीच में पहाड़ी भी है, भले जवान आ सकता है लेकिन बुजुर्ग लोग तो आ नहीं पाएंगे, इसलिए गांव वाले खुश है कि गांव में अगर पोलिंग होगा तो वोट लगाएंगे, लेकिन इधर मारो की में एक कोरा में आ नहीं पाएंगे करके, इसीलिए उसको जहाँ का पोलिंग हुई मार को जाए तो और अच्छा करके धरना बैठे जी। ग्रामीण चाहते हैं कि 10-15 किलोमीटर का सफर तय ना कर उन्हें उसी गांव में ही रखा जाए ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा मतदान कर सकें। जी आपका क्या नाम है? सर देवेंद्र मंडवी, ग्राम पंचायत मानकापाल मैं प्रिया का हूँ, जो हमारा बोलिंग बूथ है मारुकी में, तो हमको पहाड़ी नदी पार करके आना पड़ता है सर, और उस सीजन उस समय कटाई करेगा, गाय चराने करेगा, तो उस समय जो मतदान करने वाले सभी लोग दूर 15 किलोमीटर तो नहीं आ सकते सर, तो इसलिए हमको जो पहले जहाँ स्थित है वहीं पे मारुकी में होने से वोट डालना तो सभी चाह रहे हैं, लेकिन दूरी की वजह से जैसे 50 साल के ऊपर वाले यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, हम लोग तो जवान लोग आ जाएंगे लेकिन अब उनको जी बुजुर्ग नहीं आ पाएंगे। ये पहला मौका है जब प्रशासन लोकतंत्र का हिस्सा बन रहे ग्रामीणों को मताधिकार का प्रयोग करने से रोक रही है, ये कहा जा सकता है, लेकिन ग्रामीण जागरूक हैं, लोकतंत्र का हिस्सा बनना चाहते हैं, महिला मतदाता भी हैं, इनसे भी बात करते हैं, आखिर उनकी क्या मांग है? जी आप बताएं। जी क्या नाम है आपको? मेरा नाम मंजू कवासी, सरपंच ग्राम पंचायत गुपड़ी, गुपड़ी से कोंडरे 15 किलोमीटर होता है, अब उतना दूर से यहाँ कर रहे हैं, जबकि 3 किलोमीटर मानकापाल है वहाँ कैंप है, और 3-4 किलोमीटर कैंप है ये बड़े सट्टी है, तो फिर किस लिए इधर लेके आ रहे हैं? ये तो ठीक नहीं है ना हमारे लिए, और हमारे मतदाता इतना दूर नहीं आ सकते, और हमारा मतदाता केंद्र जो है वही ग्राम पंचायत में ही होना चाहिए।
अभी आप प्रशासन के ज्ञापन सौंपा, प्रशासन को तहसीलदार से बात कर रही थी, प्रशासन के लोग क्या बोल रहे हैं, क्या कारण बता रहे हैं सिर्फ का? प्रशासन तो बोलेगी कि अंदरूनी इलाका, जब प्रशासन बोलती है कि अभी वर्तमान में कोई उधर अच्छा है, कोई माविष्ट नहीं है, पूरा खत्म हो गए हैं, तो कि फिर खत्म हो गए तो फिर किस लिए शिफ्ट किया जा रहा है? ग्रामीणों को बड़ा सवाल है। प्रशासन अगर कहता है कि मतदाता माओवादी खत्म हो गए हैं, माओवादी विकास हो रहा है, माओवादियों को लगातार पीछे ढकेला जा रहा है, उसके बावजूद मतदान केंद्रों को क्यों शिफ्ट किया जा रहा है? और भी मतदाता है, बड़ी संख्या में आज यहाँ पहुंचे हैं, करीब 6-7 मतदान केंद्रों के हजारों की संख्या में, इनसे भी बात करते हैं। जी आपको क्या नाम? सर मैं गोंदपल्ली का हूँ सर, मेरा नाम बुद्रावन जमी है सर। हमारे यहाँ इसके पहले 2-3 बार भी गोंदपल्ली पंचायत में वोट सुना हो चुका है। अभी जब उस समय आसपास जब कैंप था ही नहीं, अभी इधर मानकापाल 3-4 किलोमीटर से कैंप है, अभी बड़े सट्टी में भी लगभग 2 किलोमीटर में बगल में कैंप है। जब अब उस समय कैंप नहीं था तो उस समय वोट गोंदपल्ली में खास फार्म हो रहा था, तभी फिर कौन रहे हमारे गोंदपल्ली से 10 किलोमीटर दूरी कर दिया गया सर, हमारे लोग कैसे उतना दूर जा पाएंगे? इसलिए 2018 के चुनाव में वही जी गोंदपल्ली में हुआ सर, उसके पहले जी इसलिए हम चाह रहे हैं कि अभी गोंदपल्ली का चुनाव वही का वोट वहीं पे होना चाहिए, हमारे लोग नहीं जा पाएंगे उतना दूर बोल के। लगभग हमारे गोंदपल्ली से 10 किलोमीटर से ज्यादा है सर, वहाँ पे शिफ्टिंग किया जा रहा है शासन द्वारा, इसलिए हमारे लोग चाह है हम लोग कहना है कि हमारे गोंदपल्ली में जब पहले हुआ है वहीं पे होना, 2 पंचायत भवन में ऐसी 2-3 भवन ऐसी खाली पड़ा है जो पिछला बार हुआ तो मतदाता तो वहीं पे वो बोल के हमारा कहना है सर। शासन का कोई चाल है तो पता नहीं सर क्या चाल हो सकता है क्या है कि, लेकिन अभी वहाँ तो बकायदा गोंदपल्ली तक का स्पेशल रोड बन चुका है सर, अभी आखिर समस्या क्या है वहाँ लगने में? पिछले 5 सालों में सरकार और प्रशासन के लोग बड़ा बड़ा दावा करते आए हैं कि माओवादियों को पीछे ढकेला गया है, इलाके में विकास किया जा रहा है, विकास की किरण ग्रामीणों तक पहुंच रही है, लेकिन चुनाव के ऐन वक्त पर 6-7 मतदान केंद्रों को शिफ्ट किया जा रहा है, जहां ग्रामीणों को 10-15 किलोमीटर की दूरी तय कर अपने मताधिकार का प्रयोग करना पड़ेगा। और भी ग्रामीण है, इनसे भी बात करते हैं, जो अपने हक की लड़ाई के लिए आज जिला मुख्यालय सुकमा में एकत्रित हुए। जी आपका क्या नाम है? जोगा बंजामी सर, मैं गोंडेराज पंचायत से हूँ। जी हम लोग का जो शिफ्टिंग किया गया सर कोंडरे पंचायत में, वहाँ से काफी लगभग 20 किलोमीटर दूरी है, तो फिर हमारे पंचायत के उतना दूर आने के लिए मुश्किल है सर, क्योंकि पहाड़ी भी है बीच में, और वहाँ गोंडेराज पंचायत में अगर कर दिए तो अच्छी बात है, और कैंप भी है पास में, 2 किलोमीटर दूरी में कैंप है सर, और बगल में फिर नहाड़ी भी कैंप है सर, फिर कोई दिक्कत नहीं है सर वहाँ वोटिंग होने, मतदान किया जा सकता है। जी किया जा सकता है सर। ग्रामीणों की मांग है कि कैंप के करीब ही मतदान केंद्र बनाया जाए, उसी गांव में ही लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें।